charge of culinary is going to present a session on garden style and Bangkok meat. Hope that this session will be very helpful to you. It will start with a presentation and it will end with a demo of two dishes which will be going to head on kitchen. Thank you. हमारी बॉडी में सेल्स को ग्रोथ करने में मदद करती है, साथ ही साथ डैमेज सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करने में मदद करती है।
बॉडीज को बनाने में मदद करती है. नाउ आई एम हैंडिंग ओवर इट टू रानी. सो रानी विल एक्सप्लेन अबाउट फैट. एक्सप्लेन अबाउट फैट. फैट कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड. दैट इज एसेंशियल फॉर आवर डाइट. मतलब कि फैट में एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइट के लिए आवश्यक है. एडिबल फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब इन बॉडी दे आर प्रोवाइडिंग नीड एंड एनर्जी. मतलब कि एडिबल फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में टूट जाता है क्योंकि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ताकि ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर जाए और हमारी बॉडी को नीड एंड एनर्जी प्रोवाइड करे. हार्ट फैट्स आर मेनली ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड कंटेन मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड. मतलब कि हार्ट फैट जो होता है वो एनिमल ओरिजिन होता है और इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. यूजुअली ऑयल ऑयल एंड सॉफ्ट फैट कंटेन मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मतलब कि आम तौर पर ऑयल एंड सॉफ्ट फैट, मतलब कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उसमें part of plant and it is really bonded by two vegetables.
we will start with quiz round. So my first question is, which of these nutrients helps to grow and build our muscles? So option is, first option is carbohydrates, second option is proteins, and third option is vitamins, and fourth option is fats. तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट सेक्शन में देखे कि हम लोग को कैसे प्रॉपर मात्रा में पाइलोनाइट मिलता है, तो उसी के लिए मैं एक डेमो क्लास लेके आई हूँ, डेट आगे थी हॉट टू। तो जैसे कि अभी मैं बेड आगे बनाऊंगी तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने बेड लिया है, एग लिया है, चॉप अनियन लिया है, चॉप टोमेटो लिया है, चॉप चिली लिया है, और थोड़ा बटर और ऑयल लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बेड आगे बनाऊंगी, सबसे पहले ब्रेड को ब्रेड में थोड़ा बटर लगा के इसको मैं रख दूंगी। अभी देखिए मैं यहाँ पे ब्रेड में थोड़ा बटर लगा दूंगी। ब्रेड हमें बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ टमाटर डाल रही हूँ। तो आप सबसे पहले मैं
पैन ली हूँ, आप इसको मैं गर्म करूंगी। अब ये सेट हो गया तो इसमें मैं अब ये ब्रेड को डालूं ताकि ये सेट हो जाए इसमें। अब ये 2-3 मिनट तक ये कुक होगा तब मैं इसे टर्न करूंगी। हम इसके ऊपर बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब ये कुक हो जाएगा तो हम क्या चीनी भी इसको मैं ऐड करूंगी ताकि टूटे ना। अभी हम इसको टर्न कर दिया, ये दूसरे साइड से भी कुक हो जाएगा बस कुछ मिनट में। इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर रखती हूँ। उसके बाद इसको दूसरे पत्ते में निकाल रही हूँ। अब जो हमारा ये डिश है वो रेडी हो गया है, ब्रेड आमलेट विथ हॉट मिल्क। तो आप लोगों ने देखा कि सुमैया ब्रेकफास्ट बैलेंस डाइट को मेंटेन करते हुए कैसे बनाई, तो मैं इसी बीच में एक डेमो लंच मेन्यू पे देना चाहूंगी। पीनट पुलाव जो कि बहुत ही मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है जो कि बहुत ही हेल्दी फूड है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पीनट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पीनट लूंगी, राइस, देन होल स्पाइसेस में ब्लैक कार्डमम एंड बे लीफ लियो एंड स्लाइस अनियन एंड ऑयल। ओके सो बनाने के लिए मैं सबसे पहले
इसमें मैं पीनट पुलाव बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कुकर को हीट कर लूंगी, ऑयल ऐड करूंगी, थ्री से फोर टेबल स्पून। देन व्हाइट, जब हम लोग का ऑयल हीट हो जाएगा तो फिर इसमें मैं स्पाइसेस यूज करूंगी लाइक ब्लैक कार्डमम एंड बेली। तो हम लोग का ऑयल जब तक हीट ना हो तो उसमें मैं अभी ऐड कुछ नहीं, बेली ऐड करूंगी। देन इसमें ब्लैक कार्डमम ऐड करूंगी, बेली एंड ब्लैक कार्डमम ऐड करने के बाद इसमें मैं पीनट ऐड करूंगी, जो कि पीनट में बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है। पीनट ऐड करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए मैं सौते करूंगी। जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा देन इसमें मैं स्लाइस अनियन ऐड करूंगी। हमारा पीनट सौते हो चुका है, अब मैं इसमें स्लाइस अनियन ऐड करूंगी। अनियन को ज्यादा टाइम तक हमें सौते सौते नहीं करना है, तरकारी करना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन आने तक वेट करना है। जब हमारा अनियन अच्छे से सौते हो जाएगा देन इसमें जो मैंने पहले से राइस रोस्ट करके रखा है उसे ऐड करूंगी। राइस ऐड करने के बाद राइस को ज्यादा नहीं 1 मिनट के लिए हम लोग सौते करेंगे। जैसे सोते हो गया तो मैं इसमें थोड़ा स्पाइसनेस के लिए मैं थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करूंगी कलर के लिए, एंड रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर ऐड करूंगी। देन इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 300 ml वाटर ली हूँ क्योंकि मैंने राइस 200 ग्राम लिया था, तो इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी। वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें मैं टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं कि एक सीटी आसीटी आ चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसलिए 3 मिनट के लिए भी छोड़ दूंगी ताकि जो इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि एक सीटी आसीटी आ चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसलिए 3 मिनट के लिए भी छोड़ दूंगी ताकि जो इसके अंदर ये उससे कुक हो सके। हमें पीनट पुलाव मेरा बन चुका है, तो उसके साथ मैं सर्व करने के लिए मैं बुरानी रायता बनाने जा रही हूँ। तो बुरानी रायता के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स कर्ड, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड क्यूमिन पाउडर लिया। तो सबसे पहले मैं अच्छे से कर्ड को पहले बीट कर लूंगी। और जो हमारा बुरानी रायता है वो गार्लिक फ्लेवर्ड रायता है, इसमें गार्लिक का फ्लेवर रहता है। इसमें थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के अनुसार सॉल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गार्लिक और पुरानी रायता। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। पीनट पुलाव के साथ रायता सर्व कर रही हूँ। तो मैं रायता को मील रेडी हो चुका है। लाइक
पीनट पुलाव, इसके साथ में सर्व कर रही हूँ बुरानी रायता एंड सैलेड्स, जो कि सैलेड हमारा फूड जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो थैंक यू। कौन सा चीज में प्रोटीन मिलता है, कौन सा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जल में क्या मिलता है, वो पूरा क्लियर हो गया। और जो हम लोग नया रेसिपी में मिला वो विटामिन बी जो सूरज का रस में थे वो मेरे लिए बहुत है हेल्पफुल हुआ, क्योंकि हम पहले से सोचते थे कि सूरज का रस से मतलब विटामिन बी मिलता है, उतना हमको नहीं नॉलेज था, लेकिन अब पूरा नॉलेज हो गया और इसका उपयोग भी पूरा अच्छा होगा। और जो आप लोग बताए